नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं एडवांस एक्सेल एंड वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग फॉर एमआई सपोर्ट ऑटोमेशंस। तो दोस्तों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम करने वाले हैं। बेसिकली क्या है कि मुझे कुछ इमेजेस हैं, वो गूगल इमेज से है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से है, हमारी फाइल है, हमारे पास कुछ इमेजेस हैं और उस इमेजेस का जो डेटा है वो मुझे डेटा चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है कि इमेज की डेटा को तो कॉपी नहीं कर सकते। आप इमेज को कॉपी कर सकते हैं बट उसकी डेटा को आप कॉपी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने कुछ बहुत सारे इमेजेस हैं, मुझे इन इमेजेस का डेटा चाहिए, तो मुझे एक एक करके टाइप करना पड़ेगा और टाइप करने में काफी ज्यादा लगेगा टाइम, और मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरी डेटा बिना टाइप किए हुए आ जाए और जल्दी आ जाए। तो कैसे करेंगे? तो हमारे पास इसके लिए कई सारे तरीके हैं। तो एक सिंपल तरीका जो मैं बता रहा हूँ वो देख लीजिए। उसके लिए आपके पास ओपन नोट होना चाहिए। सबसे पहले आप अपना इससे सर्च से ओपन वन नोट, सॉरी माफ कीजिएगा, वन नोट 2016 को ओपन करें इस तरह से। फिर उस लोकेशन को आप देख लें जिस लोकेशन पे आपका इमेज है, चाहे वो फाइल पे है, उसको एक्टिवेट कर लें, क्योंकि ओपन नोट मिनिमाइज होगा तो उससे पहले जो मैक्सिमाइज होगा उसी को शो करेगा। तो पहले आप उस लोकेशन को पहले फिट कर लें कि आपको किस लोकेशन में क्या चाहिए। जैसे कि मेरे सामने, आपके सामने दिख रहा है, तो मुझे मान लीजिए मुझे नाम चाहिए, लास्ट नेम जो दिख रहा है मुझे नाम चाहिए, या ओवरऑल डेटा भी चाहिए होगा। लेकिन क्या है कि ओपन नोट जो एक बार में एक कॉलम मतलब कि लेता है, तो वो इस तरह से टेबल फॉर्म पेस्ट नहीं करता है, वो वन बाय वन करता है। तो आप वन बाय वन करेंगे तो सही रहेगा। तो हम ओपन नोट पे आते हैं। ओपन नोट में आप इंसर्ट में आइए। इंसर्ट में आपके पास आता है स्क्रीन क्लिपिंग। इस स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक कीजिए। उसके बाद जिसको करना है उसको हाईलाइट कीजिए। जैसे मैं बोला कि आप पूरे को कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत होगी पूरे करने में। मैं समझा दूंगा आपको क्या दिक्कत होगी। फिलहाल मैं इस कॉलम को लेता हूं, तो एक कॉलम यहाँ पे उठ के आ गया, लेकिन मुझे इसका डेटा चाहिए। तो इस पर आप राइट क्लिक कीजिए, यहाँ कॉपी टेक्स्ट फॉर्म पिक्चर, एक कॉपी कर लिया, और जहां पेस्ट करना चाहते हैं वहां पे जाएं और आप पेस्ट कर दें। फिर मुझे अलग अलग कॉलम चाहिए, तो फिर मैं क्या करूंगा, उस लोकेशन को एक्टिवेट करूंगा और फिर जाऊंगा ओपन नोट पे। इसको आप डिलीट कर दीजिए पूरे को। हाँ, उसके बाद मैं यहाँ पे वापस स्क्रीन क्लिपिंग करता हूँ, और इस बार मैं लेता हूँ सेल को, और फिर इसको राइट क्लिक, कॉपी फ्रॉम द पिक्चर, वापस एक्सेल पे आता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो हमारे पास सेल्स पिक्चर हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है कि कुछ दिक्कत हो गई, कुछ पिक किया कुछ पिक नहीं किया। वो दिक्कत क्या हुआ कि हमने जो क्लिप किया है, क्लिप करते समय हमने एरिया को सही से सिलेक्ट नहीं किया था इस कारण से। तो चलिए एक बार दोबारा एरिया को सही से सिलेक्ट करते हैं। थोड़ा सा एरिया बाहर से लेके अब मैं इसको करता हूँ कॉपी फ्रॉम टेक्स्ट और एक्सेल में पेस्ट करता हूँ। अब सही आया? तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आप इसको ट्राई करके देखिएगा। अगर किसी तरह की डाउट, किसी तरह के क्वेश्चन हुई तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, हमारी पेन ड्राइव को परचेज कर सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल पे आईपीटी इंडिया को सर्च कीजिए यूट्यूब पे। बहुत सारे आईपीटी इंडिया आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो मेरे बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल है। कोई भी डाउट हो तो मुझे कॉल कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।